हेलो डियर स्टूडेंट्स तो स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर में जिसमें हम ई फार्मासिस्ट की मैराथन सीरीज देख रहे हैं और इसमें अभी तक आपके 69 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं आज मैं आपको पार्ट 70 के क्वेश्चंस डिस्कस कराने जा रहा हूं और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस पूरी सीरीज में हम करीब करीब 5000 एमसीक्यूज आपको डिस्कस कराएंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे एमसीक्यूज़ और आपके एग्जाम में काफी ये फ्रूटफुल होने वाले हैं दूसरी चीज आज जो मैं जिस सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यू सॉल्व कराने जा रहा हूं वो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के एमसीक्यू हैं और टॉपिक रहेगा हमारा टॉपिकार्मुलेशन फार्मुलेशन में दो तरीके की प्रिपरेशन आती है पेरेंटल प्रिपरेशन और ऑपथेलमिक प्रिपरेशन तो चलिए दोस्तों आज के इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन और सीरीज का क्वेश्चन नंबर टू जीरो सेवन वन टू थाउजेंड सेवेंटी वन क्वेश्चन चलिए इंजेक्शन इज गिवन इन टू द लिक्विड ट आर्टिकुलेटिंग एंड लुब्रिकेटिंग दी एंड ऑफ बोन्स इन जॉइंट कॉर्ड दी इंट्राथिकल इंट्रा आर्टिकुलर इंट्राकार्डियक इंट्रा आर्टिंग देखिए यहां पर मैं आपको बता इंट्राथिकल ये आपका इंट्राथिकल रीजन में दिया जाता है इंट्राथिकल इंजेक्शन तो इसका ए ऑप्शन तो नहीं होगा सी ऑप्शन में देखें जो कि हार्ट में इंजेक्ट किया जाता है तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा इंट्रा आर्टिकुलर आर्टीरियल जो आपकी आर्टरी में इंजेक्ट किया जाता है ये भी नहीं होगा यहां पर इंट्रा आर्टिकुलर इंट्रा आर्टिकुलर रीजन क्या होता है यदि हम देखें जो हमारी बोन्स का जो बॉन्स होती है और बॉन्स बॉन्स uh, में ज्वाइंट्स होता है और जॉइंट्स के बीच में ये आपका सिनोवियल रीजन रहता है इस सिनोवियल रीजन पर अगर हम बात करें कि जो आपके जो बोन्स रहती है लॉन्ग बोन्स के ऊपर आपकी कार्टिलेज की एक लेयर रहती है आर्टिकुलेट कार्टिलेज तो वहां पर इसके कारण इसको नाम दिया गया है आर्टिकुलेट एंड दी बॉन। बॉन के के मतलब पर कार्टिलेज होती है इसके ऊपर और इस टाइप इंजेक्शन को जो रीजन है सेक में आप करा इस टाइप के को बोलते हैं इंटर आर्टिकुलर इंजेक्शन क्या बोलते हैं दोस्तों इंटर आर्टिकुलर इंजेक्शन नॉट आर्टीरियल तो याद रखना है इसको तो कहां पर जब सिनोबियल रीजन या फिर कह सकते हैं कि जॉइंट्स में जो इंजेक्शन

मतलब इंजेक्ट की जाती है उनको पेरेंटल पेरेंटलिक प्रिपरेशन बोलते हैं चलिए तो यहां पर करेक्ट आंसर ढूंढते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन ये तो सुपरफिशियली अप्लाई की जाती तो तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं पेरी ये भी नहीं होता और ऑल ऑफ दीज नहीं होगा लेकिन यहाँ का जो करेक्ट आंसर है इंट्राऑक्युलर इंट्रा मतलब इनसाइड इनसाइड दी आई इनसाइड दी आई जो इंजेक्शन के थ्रू जो प्रिपरेशन अप्लाई की जाती है उनको हम बोलते हैं इंट्रा ऑक्युलर तो दोस्तों यहां पर बड़ा सिंपल सा अगर हम देखें इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बड़ा ही सिंपल है बेसिक आंसर है बी आंसर होगा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों बी आंसर है बेसिक क्वेश्चन है तो देख सकते हैं हम यहां पर इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन इंट्राओकुलर पेरिओकुलर ठीक है और टॉपिकल प्रिपरेशन चलिए आगे बढ़ते हैं

वॉल्यूम ऑफ द वाटर वाटर के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर, करता है लेकिन यहां पर अगर देखें के लिए टोटल सॉलिड कंटेंट होता है एज कंपेयर टू एस डब्ल्यू एफ आई स्ट्राइल वाटर फॉर इंजेक्शन कम uh, कह सकते हैं टॉलरेबल होता है या कह सकते हैं रेंज थोड़ा सा कम रखने रखते हैं हाँ एस डब्ल्यू uh, uh, स्ट्राइल वाटर फॉर इंजेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा रेंज रखी जाती है ट्वेंटी थर्टी फोर्टी जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है लेकिन यहां पर वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए जो रेंज रखी गई है वो आपकी कितनी रखी गई है नॉट मोर देन टेन पीपीएम तो टोटल सॉलिड कंटेंट डब्ल्यू के लिए टेन पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए करेक्ट आंसर ए होगा चलिए दोस्तों तो करेक्ट आंसर ए है ये इसका स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं आपके वाटर फॉर इंजेक्शन के आपका वाटर फॉर इंजेक्शन पायलोजन फ्री होता है बट नॉट स्टराइल ये आपका स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन आपका पारिजन फ्री होता है साथ ही साथ स्ट्राइल भी होता है अगर प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करें तो लगभग लगभग दोनों की प्रिपरेशन मेथड एक ही होती है टोटल सॉलिड कंटेंट के बारे में बात करें तो आपका वाटर फॉर इंजेक्शन के 10 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें डिपेंड करता है अलग अलग वॉल्यूम्स uh, के ऊपर डिपेंड करता है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट विस्कोसिटी रेंज ऑफ मोस्ट ऑफ दमर्शियल ऑप्थलिक प्रिपरेशन लाइज बिटवीन विस्कोसिटी क्योंकि आपकी जो ऑप्थेल प्रिपरेशन होती है वो उसमें एप्लीकेशन को इंप्रूव करने के लिए या कह सकते हैं एडरेंस टाइम को इंप्रूव करने के लिए प्रॉपर स्प्रेडेबिलिटी के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा प्रॉपर विस्कोसिटी रखनी पड़ेगी उस प्रॉपर विस्कोसिटी के लिए आपको तुट... और सूटेबल विस्कोफाइंग एजेंट या विस्कोसिटी कंट्रीब्यूटर यूज करेंगे तो यहाँ पर यदि विस्कोसिटी रेंज के बारे में बात करें तो ऑप्टिमम विस्कोसिटी रेंज कितनी होनी चाहिए दोस्तों तो 15 से 25 सेंटीपॉइज के बीच में होनी चाहिए इसको आप याद रखिएगा तो विस्कोसिटी रेंज ऑफथेलमिक प्रिपरेशनस के लिए कितनी होती है 50 से 25 सेंटीपॉइज होती है चलिए करेक्ट आंसर सी यस yes. तो ये इसकी विस्कोसिटी रेंज है 25 15 से 25 से होने चाहिए पारोजन फ्री नहीं होंगे तब भी चलेगा आपका इसके पीएच जो होगी 7.4 के अराउंड होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आपके प्रिपरेशन से लिया गया है प्रिजर्वेटिव यूज इन दी ऑपथेलमिक प्रिपरेशन एक्सेप्ट मतलब इनमें से तीन ऐसे प्रिजर्वेटिव होंगे जो ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन में यूज होते हैं एक यूज नहीं होता तो चलिए हम चेक करते हैं यहां पर तो यहां पर देखेंगे आप कोनियम क्लोराइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिजर्वेटिव होता है ऑप्थेलमिक के लिए क्लोरोहेक्सिडिन एसीटेट ये भी आपका बहुत यूज होता है क्लोरोब्यूटानॉल ये भी यूज करते हैं तीनों अगर देखें तो तीनों प्रिजर्वेटिव होते हैं लेकिन सोडियम एसीटेट देखें ये बफर का, का काम करता है क्या होता है बफर होता है तो 2075 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों सी सी इज द राइट आंसर 2075 का यस yes. चलिए आंसर चेक करते हैं सी इज द राइट आंसर ओके तो ये देखिए पॉसिबल डिस्क्रिप्शन दे, आप देख सकते हैं यहां पर कौन कौन से प्रजर्वेटिव यूज किया जाते हैं फिनाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड जीरो पॉइंट जीरो वन से जीरो पॉइंट जीरो फोरसेंट की कंसंटेशन है मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराविन जो होता है वो फोर वन में हम इसको यूज करते हैं इसको याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन है। नंबर याद रखना है, कि है। किससे प्रिपेयर की जाती है ध्यान रहे। करते हैं हमें देखना है तो ऑप्शन ए पॉलीप्रोपाइलिन ऑप्शन बी ग्लास ऑप्शन सी पॉलीटेट्रा ट्राक्लोरो और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब पॉलीप्रोपाइलिन ग्लास पॉलीटेट्रा टट्राक्लोरो और नन ऑफ दी अब

पेरेंटल प्रिपरेशन पेरेंटल प्रेप्रेशन के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली इमर्सिफाइंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं ऑप्शन ए लेसिथिन ऑप्शन बी बोरेक्स ऑप्शन सी मिथाइल ऑप्शन डी जिलेटिन देखिए अगर हम बात करें तो पेरेंटल प्रिप्रेशन के लिए हमें ऐसा इमर्सीफाइंग एजेंट यूज करना पड़ेगा जो सबसे अच्छा बायो कंफर्टेबल हो अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे बेस्ट जो बायो कंफर्टेबल इमर्सीफाइंग एजेंट होता है वो कौन है आपका लेसिथिन है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर लेसिथिन इज द बेस्ट सुटेबल एम्फोटेरिक टाइप का कैसा एम्पोटेरिक टाइप का आपका एम एल सी फाइंग एजेंट होता है ड्रग बायोलेबिलिटी इज जनरली इज फॉलोइंग ऑर्डर पेरेंटल ओरल टॉपिकल रेक्टल पेरेंटल ओरल रेक्टल टॉपिकल पेरेंटल रेक्टल ओरल टॉपिकल पेरेंटल टॉपिकल ओरल रेक्टल तो दोस्तों सबसे पहले इसमें एक चीज कॉमन है हमारे पास तो पता है है, कि parental की सबसे ज्यादा होती है। लेकिन हमारे लिए देखें बड़ा हो है। है? किसकी होती है आपकी किसकी होती है ओरल की होती है तो यहाँ पर अगर बात करें तो पेरेंटल के बाद ओरल केवल इन दो ही ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे अब पेरेंटल के बाद अगर हम बात करें ओरल की और ओरल के बाद अगर सबसे ज्यादा बायोलिटी होती है वो किसकी होती है रेक्टल की किसकी होती है रेक्टल की टॉपिकल की कम क्यों होती है क्योंकि तो टॉपिकल की ज्यादातर सेल्स क्या होती है डेड होती है सेलुलर ऑब्जॉप बहुत कम होता है पैरा सेलुलर होता है या फिर के थ्रू होता है इसलिए बायो अवेलेबिलिटी टॉपिकल की सबसे कम होगी पेरेंटल की सबसे ज्यादा होगी देन ओरल देन रेक्टल तो दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर तो इस सिक्वेंस को याद रखना बायो अवेलेबिलिटी का सिक्वेंस याद करना पेरेंटल की सबसे ज्यादा देन देन ओरल रेक्टल और टॉपिकल की सबसे कम कारण क्या है पेरेंटल की सबसे ज्यादा होने का कारण क्या है आप ड्रग को डायरेक्टली इंजेक्ट करा रहे हो ब्लड में तो बायोल्टी का हंड्रेड परसेंट या नियर अबाउट टू हंड्रेड परसेंट होने के चांस होंगे ओरल में बायोलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि अब्जर्प्शन कंप्लीट नहीं हो पाता और साथ ही साथ फर्स्ट पास मेटाबोलिन होती है रेक्टल रूट में क्या होता है सरफेस एरिया कम होता है ऑब्जेप्शन का दूसरा जो ऑब्जेप्शन रेक्टल रूट रहता है सेमी बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है मतलब कुछ पार्ट ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और कुछ ड्रग पार्ट का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता इसलिए रेक्टल तीसरे नंबर पर लास्ट में आएगा टॉपिकल देख सकते हैं आप पॉसिबल डिस्क्रिप्शन इसका वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्ट्रायल डिस्टिल वाटर एज इट इज फ्री फ्रॉम स्ट्राइल वाटर से किस तरीके से फ्री होता है आपका वाटर फॉर इंजेक्शन मतलब अगर हम बात करें वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है वाटर फॉर इंजेक्शन आपके नॉर्मल वाटर के कंपेरिजन में कैसे आ, क्या करते हैं क्या एडिशनल होता है इसमें ये पारोजन से फ्री होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से फ्री होता है या प्रिजर्वेटिव से फ्री होता है एंटीऑक्सीडेंट से फ्री होता है तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सियल दिया हुआ है यहाँ पर स्ट्राइल डिस्टिल वाटर दिया है तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हमें स्ट्राइल डिस्टिल वाटर दिया हुआ है एक्चुअल में स्टाइल डिस्टिल वाटर अगर यहाँ पर स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन होता है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर बड़ा आंसर हमें निकालने में दिक्कत होती है लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इसमें क्या कर दिया स्टाइल डिस्टिल्ड वाटर ये नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर के बारे में बात कर रहे हैं स्ट्राइल वाटर फॉर इंजेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अगर आप सोच रहे हो कि स्ट्राइल वाटर फॉर इंजेक्शन के बारे में बात हो रही कतई नहीं हो रही वहां पर अगर स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन के बारे में लिखा रहा होता हो तो वाटर फॉर ये डिस्टल वाटर डिस्टल वाटर को नॉर्मल स्ट्राइल किया क्योंकि वाटर फॉर इंजेक्शन के और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं उनको करना चाहिए ये नॉर्मल डिस्टल वाटर के वाटर फॉर इंजेक्शन किस तरीके से डिफर होता है देखिए स्ट्राइल तो होता नहीं है लेकिन पायरिजन फ्री जरूर होता है कैसा होता है पायरोजन फ्री ये आपका स्टाइल डिस्टल वाटर पायरियजन फ्री नहीं होता ये लेकिन वाटर फॉर इंजेक्शन आपका पायरिजन फ्री होता है तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ए 2079 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाए वाटर फॉर इंजेक्शन स्ट्राइल नहीं होता लेकिन पायरोजन फ्री होता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों ए ए इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उससे पहले देखिए इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ फॉलोइंग दूस एज एन एंटी ऑक्सीडेंट यस एंटी ऑक्सीडेंट के बारे में पूछा है इनमें से कौन सा एज एंटी ऑक्सीडेंट यूज करते हैं फॉर एक्वस इंजेक्शन अरे यहां पर कंडीशन लगा दी क्या कंडीशन लगा दी एक्वस इंजेक्शन इंजेक्शन तो यूज कर रहे हैं दोस्तों लेकिन कैसा एक्वस नॉट ऑयली एक्वस इंजेक्शन तो थोकार्बोमेट थायो थामी कार्बोजाइड थारिया था मरसल देखिये यहां पर अगर बात करें तो ऑप्शन में अगर हम देखें दोस्तों तो यहां पर केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है थायोकार्बामाइड थायो सेमी ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं देखे गए था आपका प्रिजर्वेटिव होता है क्या होता है प्रिजर्वेटिव तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा थायो यूरिया क्या हो जाएगा थारिया था रिड्यूसिंग एजेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है इसके अलावा सोडियम बायसल्फाइड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड और एस्कॉर्बिक एसिड इस कैटेगरी में आते हैं ये सभी एक्वस इंजेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसके लिए दोस्तों एक्वस इंजेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं तो चलिए पॉसिबल डिस्क्रिप्शन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन को ब्लॉक करते हैं और ये सब वाटर सिस्टम्स के लिए या वाटर बेस्ड प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं चलिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए दो बुक्स मार्केट में बहुत धूम मचा रही है फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स और दूसरी आपकी ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स दोनों बुक्स कलर्ड हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर साथ ही साथ अगर थ्योरी बुक के बारे में बात करें तो ये आपके लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है इसमें हाईलाइटेड की पॉइंट है स्टूडेंट फ्रेंडली पैटर्न है समराइज नोट्स हैं और पूरे सिलेबस को कम्प्लीट कर रहा है कीमत बहुत ज्यादा नहीं है ऑब्जेक्टिव बुक के बारे में बात करें या कह सकते हैं तो फुली कलर्ड बुक है लेटेस्ट सिलेबस ऊपर बेस्ड है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए और पूरे सिलेबस को कवर किया गया तो आप इसको जीडीसी क्लासेस ऐप से आप इसको इंस्टॉल कर सकते इसको आप परचेस कर सकते हो चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू जीरो एट वन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉकिंग एजेंट एज एंटी ऑक्सीडेंट यूज इन दी स्ट्राइल प्रोडक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर फोर टाइप के एंटीऑक्सीडेंट एजेंट यूज करते हैं फोर टाइप के एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस यूज करते हैं जो कि आपकी पेरेंटल प्रिपरेशन में यूटिलाइज होते हैं सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट जिसके बारे में हम काफी कुछ बात कर चुके हैं उसके बाद चेन ब्लॉकिंग एजेंट देन सिनर्जिस्ट और उसके बाद आता है आपका चिलेटिंग एजेंट तो दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी आपकी ब्लॉकिंग एजेंट या चेन ब्लॉकिंग एजेंट को पूछा गया है तो सोडियम बायसल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम मेटा बायसल्फाइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है एस्कॉर्बिक ascorb, एसिड भी रिड्यूसिंग हो, होता है लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर जो होता है वो आपका चेन ब्लॉकिंग एजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर के अलावा बीएसटी बीएचए और साथ ही साथ टोकोफिरोल तो भी ब्लॉकिंग एजेंट का काम करते हैं तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा क्या ए डी इज द राइट आंसर डी क्या होगा राइट आंसर होगा ये इसका देखिए पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल और चेन ब्लॉक चलिए क्लास वन मैथड यूज फॉर द रेंडरिंग सोल्यूशन ऑफ ड्रग आइसोटोनिक विथ बॉडी यस मतलब एक तरीके से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मेथड है जिसके थ्रू हम प्रिपरेशन uh, का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं जिसके थ्रू हम उसको आइसोटोनिक बना सकते हैं हमारी बॉडी प्रिपरेशन के लिए या सॉरी बॉडी फ्लूट्स के लिए बॉडी फ्लूट्स के लिए या जिस जगह जिस एरिया पर अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप आइसोटोनिक बना सकते हैं तो नंबर ए क्रायोस्कोपिक मेथड दूसरी व्हाइटेट मेथड और ऑप्शन सी स्प्रॉल मेथड एंड ऑप्शन डी हैमरलैंड मेथड तो दोस्तों यहां पर जो क्लास वन मेथड आती है उसमें आता है क्रायोस्कोपिक मेथड कौन सी मेथड आती है दोस्तों आपकी क्रायोस्कोपिक मेथड इसको आप याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या ए ए इज़ द राइट आंसर क्रायोस्कोपिक पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है देखिए क्लास वन मेथड में विच ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एस्टिक एसिड था ईडीटीए टी मैनीटॉल देखिए मैनिटॉल आपका बल्किंग an एजेंट होता है एस्टिक एसिड देखें तो बफरिंग एजेंट का, का काम कर सकता है थायोमर्सल आपका आपका ईडीटीएस uh, सॉरी आपका चिलेटिंग एजेंट होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बसता है इसमें आपका थायोमरसाल थायोमरसाल मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव होते हैं एंटी माइक्रोबल एजेंट होते हैं जो कि आपकी पैरेंटल प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी ठीक है तो देखिए ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू से देखिए जो पेरेंटल जो ग्लास हम लोग पढ़ते हैं सेवरल टाइप के ग्लास होते हैं लेकिन जो पेरेंटल चैप्टर होता है उसमें चार टाइप के ग्लास पढ़ते हैं ग्लास वन ग्लास टू टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री एंड टाइप फोर तो टाइप वन जो होता है आपका आपका होता है बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप टू होता है ट्रीटेड सोडा सोडालाइन ग्लास टाइप थ्री होता है आपका सोडा सोडालाइन ग्लास और टाइप फोर जनरल पर्पज ग्लास या नॉन पेरेंटल ग्लास के नाम से इसको जानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या देखिए यहाँ पर टाइप वन टाइप थ्री और टाइप फोर के लिए हम पीजी टेस्ट लगाते हैं मतलब पाउडर ग्लास टेस्ट टाइप वन टाइप थ्री और टाइप फोर के लिए लेकिन टाइप टू जो होता है उसके लिए हम वाटर अटैक टेस्ट यूज करते हैं कौन सा टेस्ट दोस्तों वाटर अटैक टेस्ट यूज किया जाता है तो देखिए यहां पर देखते हैं ऑप्शन में ऑप्शन टाइप वन टाइप टू के हिसाब से दिया नहीं है आपके ग्लास के हिसाब से दिया हुआ है तो यहां पर देखेंगे आपका हाईली रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास ये टाइप वन होता है सोडा लाइम ग्लास ये टाइप थ्री होता है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास ये टाइप फोर होता है तो वन थ्री फोर में तो क्या होता है पीजी टेस्ट पाउडर ग्लास टेस्ट यूज करते हैं इसके लिए पीजी होगा इसके लिए भी पीजी होगा लेकिन आपका ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जो होता है इसको टाइप टू इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा वाटर अटैक टेस्ट कौन सा टेस्ट वाटर अटैक टेस्ट तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर यस इज द राइट आंसर चलिए देखते ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने डिफरेंट टाइप के टाइप जो मैंने डिस्कस किए थे ये आपके डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं उनके एप्लीकेशन हैं टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री एंड टाइप फोरेंटलॉन एंड सिलिकॉन रबर तो बैग्स हैं थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए तो उसके लिए फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज करना पड़ेगा तो यहां पर फ्लेक्सिबल मटेरियल कौन सा है पॉलीविनाइल क्लोराइड तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी चलिए फ्लेक्सिबल

कितना एम को हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में कंसिडर करते हैं ऑप्शन ए ट्वेंटी सी मोर देन हंड्रेड एम एल एंड ऑप्शन डी मोर देन थाउजेंड एमएल तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये यह आपको बताना चाहूंगा कि हंड्रेड एम या हंड्रेड एम से नीचे अगर वॉल्यूम होता है तो उसको स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल बोलते हैं हंड्रेड एम से ऊपर जब आपकी प्रिपरेशन पेरेंटल प्रिपरेशन का वॉल्यूम होता है तो उसको बोलते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों सी इज द राइट आंसर ये देखिए लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल का बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जब आपका वॉल्यूम लेस देन हंड्रेड एम एल या इक्वल टू हंड्रेड एम एल होगा तो इसको स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल बोलेंगे और जब वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम होगा लार्ज वॉल्यूम कब होगा मोर देन हंड्रेड एम एल तो उसको लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर ऑप्थेमिक प्रिपरेशन के लिए सभी के सभी यूज करते हैं लेकिन इसके साथ में एक कॉम्बिनेशन में डाइसोडियम इूज करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी डी इज द राइट आंसर तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि बेन्जेलक्नियम क्लोराइड के साथ डाइसोडियम इट यूज करोगे तो इफेक्टिवली

प्रिजर्व करने के लिए आप उसके साथ में डाइसोडियम एडिटी यूज करते हो ताकि बेंजल क्लोराइड अपना वर्क इफेक्टिवली कर सके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू जीरो आप डिफरेंट टाइप के जो कंटेनर्स होते हैं पेंटल प्रिपरेशन में यूज करते हैं तो उनके लिए पैकेज इंटीग्रिटी के लिए टेस्ट यूज करते हैं जैसे आपने देखा होगा वाइल्स और बोटल्स के लिए वाटर हैमर टेस्ट और स्पार्कल टेस्ट यूज करते हैं वही एम्प्यूल्स के लिए लीकर टेस्ट यूज़ करते हैं। तो लीकर टेस्ट में डाई कौन सी यूज होती है वो देखते हैं उसका क्वेश्चन आता है कई बार देखें अगर बात करें तो ऑरेंज रेड और तो दोस्तों यहां, पर, यहां पर जो करेक्ट आंसर है, वो है। को हम या 1 इसको यूज करते हैं लीकेज टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी मिथाइलिन ब्लू चलिए पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने ब्लू इस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन कंटेंट एनएसीएल आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन या लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आइसोटोनिक है आइसोटोनिक का मतलब होता है कि आपका जो प्रिपरेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आप जिस जगह आप यूज कर रहे हो जिस फ्लूड में आप यूज कर रहे हो जिस ऑर्गन में यूज कर रहे हो जहाँ जिस, जिस आपके आप कह सकते हैं टिश्यू में यूज कर रहे हो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए तो यहां पर देखिए ऑप्शन अगर देखें ऑप्शन ए 0.3 परसेंट ऑप्शन बी 0.5 परसेंट ऑप्शन सी 0.6 परसेंट एंड ऑप्शन डी 0.9 परसेंट तो दोस्तों यहां पर यहां पर आपको पता है 0.9 पॉइंट परसेंट एन जो होता है आइसोटोनिक विद दी ब्लड और ब्लड होता है और यदि बात करें फाइव परसेंट डेक्सट्रोज भी आइसोटोनिक विद दी ब्लड होता है और लगभग टू परसेंट बोरिक एसिड भी आइसोटोनिक विद ब्लड होता है तो यहां पर देखिए एन के बारे में पूछा गया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी NaCl. Yes, correct answer D हो जाएगा। ये देखिए और 5 आपका dextrose, isotonic होता फॉर्मुलेशन नॉन ऑयली व्हीकल जो डिपोर्ट फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं डिपोर्ट फॉर्मुलेशन कहां पर शो होता है सबसे ज्यादा होता है आपका अगर बात करें तो इंट्रामस्कुलर और उसके बाद देन सबकुटेस तो देखिए यहां पर इथाइल एल्कोहल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ग्लिस व्हीकल नहीं है ये क्या आपके नॉन एक्वस नॉन एक्वस वाटर मिसिबल व्हीकल है नॉन ऑयली व्हीकल है ऑयली व्हीकल केवल एक ही दिया हुआ कौन अराचिस ऑयल तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए अराचिस ऑयल क्या हो जाएगा दोस्तों ये ए अराचिस ऑयल ये एकमात्र ऑयल है ये तीनों के तीनों अगर देखें तो एल्कोहल्स है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्वेश्चन को अगर देखें Oils बोला गया क्वेश्चन में क्या बोला गया ऑयल चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करेक्ट आंसर ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने नॉन एक्वस व्हीकल में और कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम एडिलेल ऑलिएट आइसोप्रोपाइल माइलस्टेट पीनट ऑयल सीजम ऑयल कॉर्न ऑलनसीड ऑयल सोयाबीन ऑयल और अराचस ऑयल चलिए आगे बढ़ते हैं आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो लोग ईएसआईसी एस फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार एक हम लोग ने क्रेस कोर्स शुरू किया है जिसकी प्राइस मात्र उन्नीस सौ रुपए है और यदि हम देखें तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको 180 प्लस लाइव क्लासेस 300 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर 55 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रीवियस ट्वेंटी क्वेश्चन पेपर और ई e नोट्स साथ ही साथ यदि आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र पच्चीस रुपए में फिफ्टी फाइव टेस्ट आपको मिल सकते हैं इसमें ट्वेंटी फाइव टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट ट्वेंटी सब्जेक्टिव टेस्ट फाइव नॉन फॉर्मल टेस्ट और टेन मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे इसके लिए आपको कुछ नहीं करना हमारा जीडीसी जो ऐप है जीडीसी क्लासेस का ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना है उसको इंस्टॉल करना है उसको प्रॉपर रजिस्टर करना है उसके बाद आप शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी चलिए

पाउडर प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं तो टाइप थ्री जा करेक्ट आंसर और टाइप फोर आपके ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म या दूसरी प्रिपरेशन जो कि नॉन पेरेंटल रूट में यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर टाइप थ्री यस yes. तो आप देख सकते हैं इसके एप्लीकेशन टाइप वन का एप्लीकेशन बफर्ड एंड अनबफर्ड एक्वा सोल्यूशन

सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो भी काफी कुछ खास होता है मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो होता है आपका ये कह सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन एरिया रहता, रहता है वो कई क्लासेस में डिवाइड रहता है क्लास हंड्रेड रूम क्लास टेन थाउजेंड रूम क्लास वन लाख रूम ग्रेड ए रूम ग्रेड बी रूम ग्रेड सी रूम और ग्रेड डी रूम तो यहाँ पर क्लास हंड्रेड सबसे टॉप एरिया होता है और ये आपका जो असेप्टिक असेप्टिक एरिया होता है एसेप्टिस होती है मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत ही कम इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है और बहुत ही कम इसमें पार्टिकुलेट मैटर होता है तो करेक्ट आंसर क्लास हंड्रेड का आंसर होगा बी एसेप्टिक एरिया बी इज द राइट आंसर आप देख सकते हैं यहां पर क्लास हंड्रेड एरिया क्लास टेन थाउजेंड एरिया और क्लास वन लैक एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बल्किंग एजेंट यूज इन फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट यस ऑप्शन ए केसीएल ऑप्शन बी एनएसीएल ऑप्शन सी मेनिटोल ऑप्शन डी एकेशिया यहां पर केसीएल और एनएसीएल को देखेंगे ये आपके टोनोसिटी कंट्रीब्यूटर होते हैं अकेशी आपका अगर देखें सस्पेंडिंग एजेंट का भी काम कर सकता है और एमर्सी एजेंट का भी काम कर सकता है लेकिन यहां पर अगर मैनिटोल के बारे में बात करें ये आपका फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट में बल्किंग एजेंट का काम करता है फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट में बल्किंग एजेंट का रोल क्या होता है ये क्राइव प्रोटेक्शन और लाइव प्रोटेक्शन के लिए यूटिलाइज होते हैं क्राइ प्रोटेक्टिव लाइव प्रोटेक्टिव क्या होते हैं वह, वह, वह सब्सटेंसेज होते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को ड्यूरिंग ड्यूरिंग लाइफ लाइशन या ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग आपकी प्रिपरेशन को लो टेम्परेचर पर डिग्रेड होने से बचाते हैं उनको बोलते हैं क्राय प्रोटेक्टिव एंड लाइव प्रोटेक्टिव तो दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा ये जो होगा आपका सी होगा सी इज द राइट आंसर चलिए पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं बल्किंग एजेंट कौन कौन से होते हैं क्लिसरिन लैक्टोज मेनिटोल डेक्सटोज सोडियम सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट और सोरबिटोल चलिए आइडेंटीफाई द बेस्ट ऑप्शन ऑफ फॉर दी हैपा फिल्टर हैपा फिल्टर के लिए अगर हम बात करें तो कौन सा बेस्ट सुटेबल होगा करेक्ट हाँ जीरो पॉइंट थ्री माइ माइक्रोन नाइन नाइन पॉइंट नाइन सेवन हंड्रेड प्लस माइनस थ्री फीट पर मिनट जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोन नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट हंड्रेड फीट हंड्रेड प्लस माइनस ट्वेंटी फीट पर मिनिट जीरोइंट थ्री माइक्रोन नाइन नाइन पॉइंट नाइन परसेंट हंड्रेड प्लस माइनस थर्टी फीट पर मिनिट जीरोइंट थ्री माइक्रोन नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन सेवन हंड्रेड प्लस माइनस ट्वेंटी फीट पर मिनट तो देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो हैपा फिल्टर होता है उसकी इफिकेसी जो होती है नाइनटी होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो 99.97 परसेंट किन किन ऑप्शन में दिया हुआ इन तीन ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये ऑप्शन पर विचार विमर्श बिल्कुल नहीं करेंगे अब ये होता है कि आपका जो है फिल्टर होता है 0.3 पॉइंट थ्री साइज तक के पार्टिकल को रिमूव करने की एबिलिटी रखता है तो यहां पर देखिए बी ऑप्शन में 0.5 है तो ये भी नहीं होगा इस पर भी विचार नहीं करेंगे ऑप्शन भी कैंसिल कर दिया ये ऑप्शन भी कैंसिल कर दिया अब ऑप्शन बसता हमारे पास ए और डी बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ पर ये तो सिमिलर है दोनों बस फर्क लास्ट का है तो यहाँ पर ये लेमिनार फ्लो की वेलोसिटी दी गई है तो लेमिनार फ्लो की वेलोसिटी जो होती है हंड्रेड प्लस माइनस ट्वेंटी फिट पर मिनट होती है दोस्तों तो थर्टी लिखा हुआ है इसमें तो ये नहीं होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी जीरो पॉइंट थ्री माइक्रोन परसेंट और लास्ट आता है आपका 100 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ये देखिए पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है इसका इफिकेसी 99.9 परसेंट पॉइंट फिल्टर की पार्टिकल साइज कितने तक को रिमूव करते थे आप जीरो पॉइंट थ्री इफिकेसी टेस्टिंग को टेस्ट करना हो इफिकेसी को तो डॉप टेस्ट करते हैं ठीक

अल्पा के लिए चलिए लिमुलस अमीवोसाइड लाइज लाल टेस्ट यूटिलाइज एज द एंजाइम एक्टिविटी व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यस जो लाइम जो लाल जो ऑप्टेन होता है अमीवोसाइड लाइजेट टेस्ट सॉरी अमी जो लाल जो होता है आ, एक लाल टेस्ट होता है अपने पेरेंटल के लिए पायोजन की टेस्टिंग के लिए पायोजन की टेस्टिंग के लिए हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है पायोजन टेस्ट ठीक है स्ट्रल इस, जब आपके स्ट्रल प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं उसमें से एक टेस्ट होता है पारोजन टेस्ट और पारोजन के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है उसका नाम होता है लाल टेस्ट क्या होता है दोस्तों लाल टेस्ट लिमुलस अमीबोसाइट लाइजेट टेस्ट अब लिमुलस अमीबोसाइड लाइजिस क्या होता है लिमुलस एक आपकी एनिमल होता है अमीबोसाइट उसकी सेल होती है लाइजेट उसका कंपाउंड होता है जब आपकी प्रिपरेशन ऑफ पायरोजन होगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों जब आपकी प्रिपरेशन ऑफ पायरोजन होगा और पायरजन होगा तो ये लाइजेट के साथ मिलकर एक क्लॉट बना लेता है लाइजेट के साथ मिलकर क्लॉट बनाता है तो इससे हम इजिली पायरोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर पायरोजन नहीं होगा तो ये क्लॉट नहीं बनेगा तो ये लिमुलस क्या होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया लिमुलस क्या होता है माइस होता है अमीबा होता है हॉर शुक्रिया वो होता है ना ही माइस होता है ना ही अमीबा होता है ना ही स्टेफाइलोकोकस और होता है बैक्टीरिया ये हॉर्स शू क्रैब होता है एक बड़ा सा क्रैब होता है घोड़े की नाल के आकार का हॉर्स शू घोड़े की नाल के आकार का क्रैब रहता है बहुत बड़ा क्रैब रहता है उसकी अमी वो साइड से हम लाइजेट सब्सटेंस ऑप्टेन करते हैं और इसके थ्रू हम पारिजन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट right आंसर यस yes. ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहां पर क्स्ट क्वेश्चन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्रीज डाइट प्रोडक्ट विस टाइप ऑफ रबर क्लोजर आर यूज रबर क्लोजर फ्रीज डाइट प्रोडक्ट के लिए रबर क्लोजर किस टाइप का यूज करोगे आप चलिए पंक्शर्ड क्लोजर प्लग क्लोजर स्लॉटेड क्लोजर और डिस्क स्लिप क्लोजर तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों स्लॉटेड क्लोजर हम इसमें यूज करते हैं कौन सा स्लॉटेड क्लोजर चलिए इस तरीके का स्लॉटेड क्लोजर होता है जो हम फ्रीज डाइट प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल्स एंड बोटल रेगुलरली नॉट सब्जेक्टेड टू दी फॉलोइंग टेस्ट वाइल्स एंड टेस्ट 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 तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन था वाइल्स और बोटल्स के लिए हम पैकेज uh, इंटीग्रिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वाटर हैमर टेस्ट वाटर हैमर टेस्ट स्पार्कर टेस्ट परफॉर्म करते हैं लीकर टेस्ट परफॉर्म नहीं करते लीकर टेस्ट किसके लिए एम्प्यूल के लिए किया जाता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी सी इज द राइट आंसर देखिए दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर स्टेलिटी टेस्ट क्लेरिटी टेस्ट पारिजन टेस्ट सब परफॉर्म करेंगे लेकिन लीकर टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे लीकर टेस्ट का अल्टरनेटिव होता है आपका वाटर आ, वाटर आ, वाटर हेमर टेस्ट और स्पार्कल टेस्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू जीरो नाइन एट द जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ अटेबल मटेरियल फॉर द फेब्रिकेशन द कंटेनर ऑफ पेरेंटल ओरल सॉल्यूशन लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज ड्राई पाउडर देखिए जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास मतलब टाइप फोर ग्लास टाइप फोर ग्लास को हम ओरल सोल्यूशन के लिए लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज और ड्राई पाउडर सभी के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन हम पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए इसको कतई यूज नहीं करते पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए आपके जो ग्लास यूज होते हैं और टाइप वन ग्लास को यूज कर सकते हो टाइप टू को यूज कर सकते हो टाइप थ्री को यूज कर सकते हो मतलब टीटेड सोडा लाइम ग्लास बोरोसिलिकेट ग्लास सोडा लाइम ग्लास इनको सबको यूज कर सकते हो लेकिन जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास को यूज नहीं करते उसको हम नॉन पेरेंटल ग्लास भी बोलते हैं इसी कारण से इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर चलिए ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप यहां पर ये नॉट यूज्ड फॉर पेरेंटल देखिए क्लियर मेंशन है टाइप फोर जो ग्लास नॉन पेरेंटल के नाम से होता है जनरल पर्पज सोडल लाइम ग्लास तो पेरेंटल के लिए यूज नहीं किया जाता चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर टू जीरो नाइन नाइन टेट्राके ज यूज इन ऑप्थेलमिक लोशन फॉर विच पर्पज मीओसिस कैन कैन मतलब आप अनस्थेटिक इफेक्ट के लिए यूज करोगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी यस सी इज द राइट आंसर ओके चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और सीरीज का ट्वेंटी वन हंड्रेड क्वेश्चन

देखिए यहां पर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल मिथाइल सेलरोज और कार्बोक्सी मिथाइल ये सभी के सभी आपके यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका थिकनिंग एजेंट का काम करते हैं लेकिन ग्लिसरिन यूज नहीं किया जाता क्या दोस्तों ग्लिसरिन यूज नहीं किया जाता करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी ग्लिसरिन तो यहां पर तीनों के तीनों पॉलीबनाइल एल्कोल पोलिथालिक लाइकॉल कार्बोक्सी मिथायल और मिथाइल सलोडो ये सभी आपके थिकनिंग एजेंट होते हैं जो कि आप ऑपथोलिन प्रोप्रेशन में यूज करते हो लेकिन ग्लिसरीन को यूज नहीं करते ग्लिसरिन आपका थिकनिंग एजेंट नहीं होता चलिए जाते जाते इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्री बैच के लिए यदि जो जीप जीप ई एस आई सी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और किन्हीं कारणों से पेड बैच ज्वाइन नहीं करना कर पा रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास ई एस आई सी फार्मासिस्ट के प्रिपरेशन के लिए फ्री बैच अवेलेबल है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है हमारी जो एप्लीकेशन है वो उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है रजिस्टर करना है उसके बाद आपको बैच में विजिट करना है बैच में विजिट करने के बाद आपको प्लस बटन को क्लिक करना है और वहां पर बैच कोड ई एस आई सी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अप्लाई कर देना है और आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा चलिए ये दोस्तों ये फ्री बैच है जो दूसरे आपके जो आपका जो कह सकते हैं कि जो हमारा क्रैश कोर्स है उससे अलग रहेगा तो दोस्तों इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए तो और अपना बहुत ध्यान रखिए है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय